हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शगुफ्ता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बर्फ़ी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 1/2 कप घी डालेंगे। घी के गर्म हो जाने पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदे को घी में अच्छी तरह रोस्ट करना है जब तक कि वो थिक नहीं हो जाता। गैस को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है। देखिए, अब मैदा थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम मावा और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मावे को हमें गाढ़ा होने तक सेकना है। याद रखें, गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अब मावा अच्छी तरह सीख चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1 कप चीनी और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी, यानी कि जितनी चीनी है उसका आधा। चीनी के पानी में घुलने तक अच्छी तरह मिलाएंगे। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। चाशनी अब तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा और मैदा का मिक्सचर। हमें इसे लो फ्लेम पर अच्छी तरह पकाना है जब तक कि ये किनारे ना छोड़ दे और गाढ़ा ना हो जाए। हमें इसे लगातार चम्मच से हिलाते रहना है। देखिए, अब ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सैफ्रन कलर। इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर। हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स में कलर ऐड कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक एल्युमिनियम का मोल्ड जिसे मैंने पार्चमेंट पेपर से कवर कर दिया है ताकि हमारी बर्फ़ी ईजिली निकल आए। सबसे पहले ऐड करेंगे ऑरेंज पार्ट और उसे स्पैचुला की हेल्प से सेट कर देंगे। सेकंड लेयर लगाएंगे वाइट पार्ट की। लास्ट में ग्रीन पार्ट ऐड करके अच्छी तरह सेट कर देंगे। सभी लेयर्स लगाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। अभी अच्छी तरह सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस करेंगे। लीजिए, अब हमारी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल बर्फी बनकर तैयार है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल।